हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है लास्ट पेपर हमारा एग्ज़ाम का। ठंडी तो भाई जी हार्ट पड़ रही है, रात को नहीं लग रही थी इतनी, अभी लग रही है हमको ठंडी। तो उसके कारण कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम पेपर देने के लिए जाएंगे। इस पेपर में कुछ थियरी वगैरह नहीं है, एनसीक्यू ही है, तो कोई टेंशन नहीं। हमने सिर्फ बॉल पेन, मतलब पेन लिखने की पेन और हॉल टिकट ही लिए, और कुछ लिया भी नहीं है, बस दे के आ जाएंगे। और उसमें भी तुक्के ही हम एमसीक्यू टिक करेंगे, हमको कुछ आता नहीं है इस सब्जेक्ट में, कुछ पता भी नहीं है, नॉर्मल ऐसे चिल्ला चाली की तरह दे के आ जाएंगे। और आप नलिनी सर्विसेज PSG देखा कि नहीं? हीरा देखा तुमने? थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा देखा। कौन जीता? नलिनी सर जीत गए, PSG जीता। और लेकिन रोनाल्डो के दो गोल थे ना, बढ़िया। मेसी का फर्स्ट गोल भी बढ़िया था, लेकिन नेमार ने कुछ अच्छा नहीं किया, और सारे ने पहले पेनल्टी ही मिस कर दी आसानी से, ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता। फिर भी जीत गए, कोई बात नहीं, तो जीत ही जाते आसानी से। और एम्बाप्पे का असिस्ट भी जोरदार था, वो रामोस ने गोल मारा वो। हाँ, वो भी बढ़िया। हम रामोस का भी बढ़िया था, हमेशा फेंकते नहीं है फुटबॉल में, देखते फुटबॉल लवर से हम, क्रिकेट की तरह प्रॉपर नॉलेज है हमको। भी बढ़िया था कैप्टन का भी, जो देखो विराट को सब पता होता है, ऐसे हम फेंकते नहीं है। और आज इंडिया विशेष न्यूजीलैंड का है, अगली बार तो रह गए थे वो ब्रेसल ना, बार्सवेल जो टिक जाता ना, तो लग नहीं वाले थे वो, मैं हाथ से छूट ही गया था, ऐसे ही समझो लग गए थे, समझो वो आउट हो गया ऐसा। वो शार्दुल ठाकुर के बोल, वरना वो मैच टुक्के पे, वो वरना मैच हार ही गए थे। लेकिन आज वो नहीं छोड़ा, हार जाते तो कुछ ज़्यादा मजा आता। नहीं नहीं, जीतने वाले को बाजी करते, फिर हम अपना जीत कम बैक होती ना स्ट्रोंगर। दिस इज टेम्परेचर ऑफ मोरबी, ठंडी ठंडी हवा है, कार गाड़ियाँ स्कूटियाँ स्टॉल, ओ माय गॉड, बिल्डिंग वो देखो, ओ। और यहाँ पे दो इंसान जिंदा। अभी हम जिंदा है, अभी हम जिंदा हैं, पठान है। और यहाँ पे क्या हाल है? ठीक ठाक है सब, चल। कैसे है तैयारी आज के पेपर की? आज के ना फाड़ डालेंगे तैयारी की है। कुछ घंटा भी नहीं पड़ गया, इतनी तैयारी की है, दो दिन से पढ़ रहा, दिन और रात गेम, और सोते हुए पढ़ रहा था। नहीं नहीं, तो वो सबको नहीं पता चलता है, अंडरग्राउंड होकर पढ़ता, स्पेशल ट्रिक है। तो आज निकलने वाला है घर के लिए, आज चलेंगे घर। ये पार्थिव और साले ये सब छोड़ के हमको जा रहे हैं, सिर्फ मैं और हीराज बचेंगे, दक्षिण बक्सी सब जा रहे हैं, हम आएंगे फिर आराम से। और तुम्हारा कुछ काम रह गया है ना यहाँ? हमारा काम है, हीराज की सेटिंग रुकी हुई है, तो उसको मनाना है, फिर जाएंगे हम। साले पेपर देने आए, तुझे सीट नंबर नहीं मालूम? नहीं, वो जाते सर यार, मालूम रहता है, पेपर का स्ट्रेस है इतना सर। तेरे को? अपन को सब मालूम है, हीराज को मालूम है, तो पार्थिव साला अनपढ़ है। ये किलर साला है ना, प्यासा था इसलिए इसको पानी पिलाने के लिए ले आए, 2 साल से पानी नहीं पिया इसने, साले सुसु लगेगी एग्जाम में कम पीना। और यहाँ पे नया शर्ट लिया स्मिथ ने, गोवा टाइप। और ये जर्सी कहाँ की है? और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेपर खत्म होते हुए, और दर्शित ने कर दिया फुल स्कोर, क्या बोल रहा है? फुल स्कोर मैंने इसको ना MCQ लिख के भेजे थे, घंटा तूने भेजे, ये मेरे को कहते मेरे को MCQ मत, मेरे को नहीं आते, तू लिख के भेज, मैंने इसको आंसर लिख के भेजे थे, क्योंकि मैं इसका रियल दोस्त हूँ ना, इसलिए हम हेल्प करते हैं एग्जाम में भी। सर ने देखा नहीं, ऐसे मैंने भेज दिया, हमेशा डरते हैं। हीराज तो बहुत खुश है, क्योंकि इसका पेपर तो, ओ भाई 15 मिनट में हीराज ने MCQ पूरे लिखो पेपर आंसर शीट में खुद दिए थे, ऐसे राउंड कर दिए थे 10 मिनट में, क्योंकि इसको सब आता था हीराज को, ये प्रो है ना इस सब्जेक्ट में, तो ये प्रो है। मैंने दक्षित साले को ना आंसर लिख के देखे, इसको आते नहीं थे, मैंने हेल्प की इसकी, वो साला डर गया था कि मेरे को भेजना कुछ नहीं आता मेरे को, फिर मैंने पेंसिल से पेपर में लिख के इसको भेजे, आई एम हेल्पफिल। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था, जो सर देख लेते ना तो फेल होता है, मैं फेल हो जाता, ये इतना बड़ा रिस्क कोई ले सकता है? हम तो पहली बेंच पे थे, सर ने बोला यू फेम कर देता वो। इतने टाइम बाद हमने गाठिया दिखाई व्लॉग में, और कंपनी देने के लिए वंशिल गटारा गुंजन,
हड्डी जी वैसे वन हड्डी एक्स हड्डी ये आतंकवाद। सनसेट के दर्शन करना चाहते हो आप लोग हैं? कराऊं आपको एक मिनट, वो देखिए दोस्तों, व्हाट इज व्यू, एक नंबर व्यू। ओ भाई, ये साला फोन में कुछ दिक्कत है या क्या यार? फोकस बहुत स्पीड से नहीं होता, बहुत टाइम लगता है फोकस में। ये बिल्डिंग है ना, ये हमारी है, अभी कंस्ट्रक्शन अभी दे दी है बिल्डर को चलने के लिए, वो बना दे रहेंगे फिर हम जाएंगे उसमें मैनेजमेंट करने के लिए। एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गए और पता भी नहीं चला। लास्ट के दो पेपर काफ़ी अच्छे गए हमारे, मज़ा आया खुद का, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं हम भी ऐसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, काम अच्छा हो रहा है। फिफ्थ सेम हमारे ख़त्म हो गए, इंजीनियरिंग के पता भी नहीं चला, अब तीन सेम ही बाकी है। हाय, वक्त बहुत स्पीड से जा रहा है। अगर आप दुनिया के साथ चलोगे ना, दुनिया के साथ साथ चलोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा स्पीड से चलो दुनिया से, मतलब दौड़ के चलो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा आगे का सोच के चलो। हम तो आगे का सोच ही नहीं पाते क्योंकि हम में थोड़ी कम है इसलिए। दोस्तों तो हीरा जा चुका है, अभी हमने डाउनलोड किया है मिशन मत, अभी देखेंगे फिर रिव्यू देंगे नेक्स्ट लॉग में कैसा है। ये और दक्षिण डाउनलोड करने के लिए गए थे, दक्षिण आज नहीं गया, कल जाने वाला है। और एक भी डाउनलोड किया लकी रो, लेकिन वो गुजराती है, आपको शायद हमारी हिंदी ऑडियंस को नहीं जमेगा वो। हमारी गुजराती रहता है ना, वो आपको नहीं जमेगा। और अपहरण तो शायद आपने देख ली होगी, वो तो बहुत पुरानी, वो तो देख ली होगी आपने, हमारे पास स्टॉक पड़ा रहता है। हमारी तो भी बाकी है, जॉन विक वो पेंडिंग में पड़ा है, मतलब स्टॉक पड़ा, देख तो डाली हमने दूसरी बार क्योंकि मूवी ऐसी है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज पड़ी है हमारे पास, तक सिर्फ कल निकलना वाला है। फास्ट एंड फ्यूरियस है, और मैं और इराज पठान का रिव्यू देखे जाएंगे, आपको बोला था ना इसलिए हम नहीं जा रहे, बाकी सब चले ही गए ऑलरेडी। मैं और इराज सीख गए, आपको हमें बहुत काम है, हमें भी घर पर जाना था, फोन आ गया लेकिन हमने बोला नहीं, थोड़े टाइम बाद आए पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे झूठ बोला, क्योंकि आपको रिव्यू देने के बाद 25 को हम जाएंगे देखेंगे, फिर 26 को निकलेंगे अपने अपने घर, फिर शॉट वगैरह आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी इस लोग को यहीं एंड करते हैं, लोग पसंद है उन्हें लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, मिलते डायरेक्ट पठान के रिव्यू में। ठीक है, सपोर्ट जरूर करना है, करना करना, सपोर्ट करते हैं इंटरनेट लोग के साथ बजे जो